आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, मुझ पर गुस्सा है, होना भी चाहिए। मैंने आप लोगों को, नवाल को हर्ट किया। लेकिन मेरा यकीन करें, मैंने उजाला की मदद सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते की थी। मेरा उससे कोई राबता नहीं है, मैं कोई बातचीत नहीं हमारी। हमें तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन हर रोज कोई ना कोई नई बात हो जाती है। वैसे भी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। उस लड़की की मदद करने के चक्कर में तुम अपनी मैरिड लाइफ खराब कर लोगे। मुझे लगता है पहले तो नवाल को सिर्फ शक था, लेकिन अब उसे यकीन हो चला है कि तुम्हारा झुकाव है काफी उजाला की तरफ। नवाल की खैर है, उसे मैं मना लूंगा, लेकिन कम से कम आप लोग तो मेरी बात पे यकीन करें ना। आप लोग तो मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली है। आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, हम समझते हैं कि तुमने उसकी सिर्फ मदद की है, लेकिन अब उस लड़की से कोई भी कॉन्टेक्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसका शौहर मर गया, इसका मतलब ये नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अम्मी, कैसी बातें कह रही है? आप लोगों को मुझ पे एतबार नहीं है? तुम पर एतबार है बेटा, लेकिन उस लड़की पर नहीं है। बस अब तुम उस लड़की से कोई रابطہ नहीं करोगे। जाओ अपनी बीवी के पास, कल से बेचारी परेशान हो रही है। और बरखुरदार जी बाबू, आप भी जाएं और अपनी बीवी को मना के लाएं। बच्चों के बगैर घर सोना सोना हुआ हुआ। हाँ सर बाब, वजाहत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों की आवाजों के लिए तरस गई हूँ मैं। जाओ जाकर बच्चों और किरण को ले आओ। जबरदस्ती की शादी का मैं भी कायल नहीं। जबरदस्ती कैसी बेटा? उसने ये जिम्मेदारी मुझे खुद सौंपी है, और वैसे भी किरण के खानदान की असलियत खुलने के बाद उसे जो धचका लगा है, उसके बाद तो उसे अकल आ गई है और उसने यही फैसला किया कि वो अपनी माँ की पसंद को तरजीह देगा। मगर वो डिस्टर्ब तो है ना, हमें उसे कुछ वक्त तो देना चाहिए। नहीं, वो डिस्टर्ब है, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी का फैसला किया है। बेटा देख लेना, शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। मैंने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद की है।